हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड एंड किचन। तो फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाएंगे, मसाले वाला चोखा बनाएंगे जो कि सुरन का बनाएंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और इस तरीके से फ्रेंड आप भी ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए कि आप बार बार बनाने को मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सुरन लिया है, अब इसे धो के हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं और इसे हम लोग बॉयल करेंगे, और बॉयल इतना करना है कि अच्छे से ये मैश हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हल्दी डालकर बॉयल किया है, हल्दी और नमक डालकर बॉयल किए हैं, ताकि थोड़ा सा जो गले में इसका लगता है वो चीज़ ना लगे। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, गर्म मसाले, खड़े गर्म मसाले लिए हैं और चटकने के लिए ऑयल में डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग तेज़पत्ता ऐड करेंगे और लहसुन प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, चटकने लगा है और यहाँ पर लहसुन और प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत से लोग कच्चा प्याज भी बाद में ऐड करते हैं, बट यहाँ पर फ्रेंड हम प्याज को हल्का सा रोस्ट करके और इसका पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि मसाला चोखा हम बना रहे हैं। तो मसाला चोखा बनाने के लिए इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, ताकि जल्दी से प्याज सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक वेट कर लेते हैं, तब तक चला चला कर इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, कलर चेंज हो चुका है और इसे हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के फिर हम लोग मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर पेस्ट बन चुका है और यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं, और इसी पेस्ट को हमें क्या करना है, फ्राई करना है, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर फ्राई करना है। तो फिर चलिए यहाँ पर हम लोग मसाले ऐड कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो चलाते हुए, तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल चटपटा सा बना रहे हैं चोखा। और यहाँ पर गरम मसाला का पाउडर ऐड किए हैं, क्योंकि मसाला वाला चोखा बना रहे हैं तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा आना चाहिए और बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगा है। यकीन मानिए फ्रेंड, इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह का चोखा बनाने के बाद आप ज़रूर 2 से 3 बार महीने में चोखा, ये वाला चोखा बनाएंगे, सुरन का चोखा। और ये देखिए, मसाले काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है और तेल छोड़ने लगा, साइड साइड से तेल छोड़ रहा है। और थोड़ा सा और हम इसे वेट कर लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाता है उसे, उसके बाद हम लोग इसमें सुरन का जो पेस्ट बना है, मतलब बॉयल करके जो रखे हैं, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से तैयार हो चुका है, तो चलिए हम यहाँ पर ये मैश करके ऐड कर देते हैं सुरन का जो पीसेस बॉयल किए थे, और इसे हम लोग मिक्स कर देंगे। अच्छे से चला चला कर इसे फ्राई करना है। फिर यहाँ पर याद रखिएगा कि इसे हमें बहुत ही लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि नीचे से जले नहीं और अच्छे से अंदर तक इसका फ्लेवर, मसाले का फ्लेवर चोखा के अंदर चला जाए। तो इसे हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और इसे चला चला के। और जब ये पता आपको लग जाएगा, जब ये इकट्ठा होने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि चोखा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी साइड साइड से चिपक रहा है, अभी इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अचार से जो मसाला होता है वो निकाल के डालेंगे, ताकि चटपटा भी बने और जो गले में थोड़ा सा सुरन का कभी कभी लगता है खारापन, वो दूर हो जाए। तो इससे चटपटा भी बनेगा और आपका गले में खुजली भी नहीं होगा। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अच्छे से इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब अब ये चोखा बन के तैयार हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छा रहा। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।